स्वागत है जी सारिया ने मेरा पंजाब न्यूज़ चैनल पर। सो रोपड़ जिले की बड़ी खबर जो सामने आई है कि रूपनगर जिले में 9 मरीज़ कोरोना के होर पॉजिटिव पाए गए। सो तुहानू असीं दसना चाहते कि इन्हां दे विच जो कि 2 मरीज़ आनंदपुर शहर तो है, तो उस तो बाद जो बाकी मरीज़ ब्लाक नूरपुर के वख-वख पिंडां नाल संबंध रखते हैं, जिस विच 3 मरीज़ जटवाड़ तो पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 मरीज़ ढाहां पिंड तो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो 2 मरीज़ बदरूर पिंड तो पॉजिटिव पाए गए हैं। सो इस वेले खड़े हाँ असीं ब्लाक नूरपुर के पिंड ढाहां विखे। सो तुसीं देख सकते हो इस पिंड का माहौल बिल्कुल अच्छा माहौल है, किसी भी प्रकार का कोई डर का माहौल नहीं बनया हुआ, कोई पैनिक नहीं क्रिएट हो रहा, किसी भी प्रकार का कोई नाकाबंदी या सील नहीं किया गया, क्योंकि जानकारी मुताबक क्योंकि इन्ह मरीजों जोड़े मरीज़ पॉजिटिव पाए गए उन्होंने पहले ही क्वारंटाइन किया गया से। जो वो नांदेड़ साहब तो एक श्रद्धालु पहुँचे से उस भी मरीज शामिल से, उन्होंने पहले ही क्वारंटाइन किया गया, उस तो बाद उन्होंने टेस्ट भेजे गए, टेस्ट जब सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई तो उस तो बाद ज्ञान सागर हस्पताल भेज दिया गया। आओ हम अभी गलबात करते हैं पिंड के मोहतबर व्यक्ति के नाल, तो उन्होंने जानते हैं कि पिंड का किहो जिहा माहौल है, किस तरीके कि वह जो मरीज़ इतने पिंड आए थे या नहीं आए थे। सर तुहाडे जो पिंड के पेशेंट पॉजिटिव आए, तुसीं उन्हां बारे दसोगे किस तरीके की जो मुश्किल आई है या किस तरीके उन्हां बारे? गल है जी, साढ़े पिंड कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो हजूर साहब तो आए ने, साड़ी पंजाब सरकार ने वधिया प्रबंध करके उन्होंने बस तो ही लैके वधिया प्रबंध में लैके गए, आनंदपुर साहब उन्होंने रखिया वधिया प्रबंध में रहे, उस तो बाद उत्थे उन्होंने टैस्ट लाए, टैस्ट लैन तो बाद उन्होंने विचों 2 बंदे पॉजिटिव आए ने, पर सानू पिंड विच कोई प्रॉब्लम नहीं इस गल की, सरकार दे वधिया प्रबंध होने कारण साढ़े पिंड नू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। एवं अफवाह उड़िया जा रही ने कि पिंड च आके गए ने, नो, सरकार ने उन्होंने बस उतारिया, बस उतार के आनंदपुर लैके गए, आनंदपुर लैन तो बाद उन्होंने सैंपल दवाए, सैंपल दवाने बाद जो पॉजिटिव आए ने उन्होंने ज्ञान सागर हॉस्पिटल विखे जाके एडमिट करा दिता। साढ़े पिंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ वधिया चल रहा। लागले पिंड दे लोगों नूं की कहना चाहो? लागले पिंड में कहना चाहना किसी गल तो डरन की लोड़ नहीं हैगी, सरकार दे वधिया प्रबंध ने, अपने आले दुआले कोई लॉकडाउन की हो कोई किसी किस्म की किसी किस्म की पाबंदी लगने की जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि साड़ी सरकार का बहुत वधिया प्रबंध है। तुहाडे पिंड नूं कोई सील वगैरह तां नहीं कीता गया? साढ़े पिंड कोई सील करन की जरूरत ही है नहीं गी, क्योंकि सरकार दे बहुत वधिया प्रबंध ने, जिवें जिवें उह नांदेड़ साहब तो आए ने उन्हां नूं फड़ के बसां विचों उतार के उन्होंने सीधे मेडिकल कराने वास्ते लेके गए ने, उन्होंने जाके क्वारंटाइन किया, उस तो बाद सैंपल लाए, सैंपल लैके उन्होंने वापस जो तो सैंपल पॉजिटिव आए ने उन्होंने चक के उतों ही उन्होंने हस्पताल में पहुँचाया गया, क्योंकि सरकार के बहुत वधिया प्रबंध ने, इस गल्ल कोई दो राय नहीं हैगी। साढ़े आले दुआले पिंडां नूं किसी भी डरन की लोड़ नहीं है, किसी घबराने की लोड़ नहीं है, सरकार के प्रबंध वधिया ने, अगर किसी कोई प्रॉब्लम की लोड़ हैगी है, किसी कोई गलत कोई डरता हैगा तो उस लई मैं ये गल कहना हाँ, तो साढ़े नाल आह नंबर मेरा है 9481 8500, मेरे नाल संबंध करे, मेरे नाल फोन करे, उहदे उत्ते आपां सरकार दे प्रबंधां बारे उहनूं जाण भी करावांगे और किसी गल दी जरूरत होवेगी उहदे विच मदद भी करांगे। सो इस समय खड़े हाँ असीं पिंड बजूड़ विखे जिथे इस पिंड भी जो पेशेंट पॉजिटिव आए ने, सो पिंड दा उत्ते दी असीं माहौल तुहानूं दिखा रहे हैं, बिल्कुल तुसीं मेरे पिछे वेख रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई पैनिक माहौल नहीं है, किसी प्रकार की कोई नाकाबंदी नहीं की गई है, कोई सील नहीं किया गया, पिंड का बिल्कुल सही माहौल है। ये मेन रोड जा रहा है जी, जो कि लॉकडाउन के करके जो कि दुकाना बिल्कुल बंद पईयां ने, ते हुण साडे नाल मौजूद ने जो कि पिंड दे सरपंच बचन सिंह जी, असीं उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे ते उन्हां तों जाणांगे उस मरीज़ां दे बारे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੋਸਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੁਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਡਰ ਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਜੂਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਜੂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਟਵਾੜ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ 3 ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੂਰਬੇਦੀ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਹਲਨ, ਨੂਰਪੁਰ, ਬੇਦੀ।